तो गाइस, कल के लिए मैंने ये थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया है, ये दरवाजे को लगाने के लिए, ये फूलों के माला जो भी आप इसे बोलते हैं, हम तो इसे तोरण कहते हैं, जो तोरण लगाते हैं ना दरवाजे पे, वो मैंने लाके रखा है। कल हमारा ना गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा मतलब क्या होता है, महाराष्ट्रियंस का नया साल होता है, तो मुझे कल हैप्पी न्यू ईयर विश करना, ठीक है? तो ये है गुड़ी पड़वा के लिए, बहुत अच्छा मतलब ऑस्पिशियस डे होता है ये, 3.5 मुहूर्त में से एक रहता है। और यहाँ पे उसके लिए मैंने ये तोरण जो है वो आज लाके रखा है, और उसके साथ इसके बीच में ही ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आम के जो पत्ते रहते हैं ना, वो भी शुभ माना जाता है। और उसके साथ ही ये नीम के पत्ते भी लाए हैं, इसे हम खाते भी हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा गुड़ और ये नीम जो रहता है ना, वो इकट्ठा ऐसे पीस कर उसे खाना शुभ माना जाता है गुड़ी पड़वा के दिन, मतलब हमारे न्यू ईयर वाले दिन। तो ये कैसे है ना, अच्छे से प्योरीफाई करता है हमारी बॉडी को। तो ये अच्छे मुहूर्त पे नीम का पत्ता ज़रूर खाना चाहिए। आप चाहे तो इसको ये आम के पत्तों के साथ दरवाजे पे भी उसको टाई कर सकते हैं, ये तोरण के साथ, ठीक है? और भगवान की पूजा के लिए ये मैंने कुछ फूल लाए हैं सबके लिए, तो ये मैंने रेडी रखा है कल के लिए, ये कल का मेरा शॉपिंग है, ठीक है? और साथ ही साथ में मैंने थोड़ा अपने लिए भी शॉपिंग किया है। ये है मेरे 2 ड्रेसेस मैंने लिए हैं, आप बताइए अच्छे कलर्स लगे मुझे तो मैंने लाया। ये देखिए, ये एक है, बहुत दिन के बाद मैंने शॉपिंग किया, एकदम सॉफ्ट मटेरियल है, ये देखिए। और एक ये है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ये ले लिया। ये देखिए, प्रिंट भी अच्छा है और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसके लिए मैंने ले लिया है। तो ये दोनों भी कलर्स मुझे बहुत पसंद आए, डिज़ाइन प्रिंट भी अच्छा है, दोनों के मटेरियल भी एकदम सॉफ्ट है, तो मैंने ले लिया है। हाँ, तो कल मैं इनमें से एक कुछ तो पहन लूँगी, क्योंकि नया साल है ना, तो कुछ नया पहनना चाहिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये पहनूँ या फिर ये पहनूँ। मोस्टली मैं यही पहनूँगी क्योंकि मुझे ऐसे कलर बहुत पसंद है, तो देखते हैं, कल डिसाइड करते हैं फिर भी, ठीक है? तो मिलते हैं कल। और बहुत सारी और हाँ, मैंने आज महादेव जी के मंदिर में भी विज़िट किया, वहाँ पे पूजा भी थी, तो उसका मतलब वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आपने शायद देखा होगा। नहीं देख लिया है तो प्लीज़ जाके शॉर्ट्स वीडियो में देख लीजिए, महादेव जी की बहुत ही सुंदर पूजा हो रही थी मंदिर में। तो मैं लकीली आज कैसे है ना, आज अमावस्या है, लेकिन सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस के दिन भगवान शंकर मतलब हमारी जो भोलेनाथ जी हैं उनकी बहुत ही बड़ी पूजा होती है, तो माता पार्वती के साथ उनकी बहुत ही अच्छी सुंदर पूजा मुझे देखने को मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो जो भी ये ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख सकेंगे। और जिनका जिनका भी कल न्यू ईयर है, उन सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर, और मराठी में कहना चाहूँगी गुड़ी पाडव्याच्या खूब खूब शुभेच्छा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।